नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो पर हम आपके लिए 10वीं विज्ञान विषय का असाइनमेंट का आंसर आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको 10वीं असाइनमेंट का जो विज्ञान विषय है उसका आंसर आपको सटीक और सही आंसर देखने को मिल जाएगा इस वीडियो में। तो आप शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को देखें। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने मन से, अपने हिसाब से, अपने शब्दों में आंसर लिख सकते हैं, या फिर आप हमारे द्वारा दिए गए आंसर को भी अपनी उत्तर पुस्तिका में उतार सकते हैं। दोस्तों, यहाँ वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ आपके मार्गदर्शन के लिए है। तो चलिए दोस्तों, पहला नंबर जो क्वेश्चन है, मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है और उससे संबंधित जानकारी लिखना है। तो चित्र बनाने के बाद जो पॉइंट है लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, इसके दो गुण और उपयोग लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के दो गुण, प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफ़ेद चूर्ण होता है, यहाँ जल के साथ मिलाने पर पुनः जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। अब इसके दो उपयोग है, पहला है खिलौने बनाने में और दूसरा है हड्डियों को स्थिर रखने में। इस प्रकार से प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, उसके गुण कौन कौन से हैं और उसका उपयोग, जैसा कि प्रश्न में पूछा गया है, दो गुण और दो उपयोग, तो हमने इस प्रकार से आंसर लिखा है। अगला है, मनुष्यों के हस्तक्षेप के कारण आपके आसपास पर्यावरण को हो रहे नुकसान के बारे में लिखना है। पर्यावरण को नष्ट करने में मानव ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। प्राकृतिक स्रोतों का असंतुलित दोहन किया है, पर्यावरण को बुरी तरह से प्रदूषित किया है। मनुष्यों के हस्तक्षेप के कारण पर्यावरण निम्नलिखित प्रकार से नुकसान हो रहा है, वृक्षों का अंधाधुंध कटाई, खेतों में कीटनाशक एवं उर्वरक का उपयोग, नए नए कल कारखाने उद्योग संयंत्रों का निर्माण, प्लास्टिक का मानव जीवन में उपयोग, खनिज उत्खनन, धूम्रपान, गाड़ी मोटर के धुएं, वन्य जीवों का शिकार। इस प्रकार से दोस्तों, मानव द्वारा प्रकृति को जिस प्रकार से नुकसान पहुंचाया जा रहा है, आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं दोस्तों, या फिर हमारे द्वारा दिए गए उत्तर को आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, साबुन और अपमार्जक में कोई तीन अंतर लिखना है। तो इस प्रकार से आप कॉलम बना लेंगे। साबुन लंबी श्रृंखला वाली उच्च वसीय अम्ल का सोडियम एवं पोटेशियम लवण है। अपमार्जक लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला एवं सल्फोनेट लवण है। साबुन वाले में लिखेंगे दूसरा नंबर, ये कठोर जल में अप्रभावी होते हैं और अपमार्जक जो है ये कठोर जल में प्रभावशाली होता है। साबुन वाले में फिर से लिखेंगे तीसरा पॉइंट, इसमें स्वच्छ करने की क्षमता अपमार्जकों की अपेक्षा कम होती है। अब अपमार्जक वाले में लिखेंगे, इसमें स्वच्छ करने की क्षमता साबुन की अपेक्षा अधिक होती है। अगला है, मानव पाचन तंत्र में निम्न की भूमिका बताइए, एंजाइम, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और विलायक। पहला नंबर है एंजाइम। एंजाइम एक प्रकार के जैविक उत्प्रेरक होते हैं, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं का दर बढ़ा देते हैं। दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी HCl। अमाशय के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl भोजन को अम्लीय बनाने के साथ
भोजन के साथ साथ आने वाले जीवाणुओं को मार डालते हैं। और तीसरा है विलाई। अंत में विलाई जल एवं पोषकों के अवशोषण के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि करता है, जिससे पहचान में मदद मिलती है। इस प्रकार से दोस्तों, दसवीं का जो विज्ञान विषय का असाइनमेंट का क्वेश्चन आंसर है, आपके समक्ष रखने का हमने प्रयास किया है। दोस्तों, आपको कहीं पर त्रुटि नज़र आती है तो आप उसे सुधार कर लें और इस प्रकार से आप असाइनमेंट का आंसर लिख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जो भी दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको दसवीं से संबंधित सभी असाइनमेंट का क्वेश्चन आंसर हमारे चैनल पर प्राप्त हो सके। दोस्तों हमारे इस चैनल पर जल्द ही मैं PDF फाइल अपलोड कर दूंगा, जिससे आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आसानी से आप PDF को डाउनलोड करके आंसर लिख पाएंगे। दोस्तों, PDF साफ और स्पष्ट अक्षरों पर होगा। तो दोस्तों, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।